देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 2 गांव में देर रात चोरी हो गई। सायरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है और इसमें 3 लोग चोरी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 2 लोग मॉल के बाहर खड़े हैं और एक व्यक्ति मॉल के अंदर शटर तोड़कर घुसा है, जिसने गल्ला, नकदी और राशन का सारा सामान चुरा लिया। घटना की जानकारी दिनेशपुर पुलिस को दी गई। चंद्र प्रकाश नाम के युवक ने बताया कि 4 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप में दुकान खोली और जिसमें देर रात चोरी की घटना सामने आई। 112 के जरिए पुलिस को सूचना दे दी गई। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि चोरी की घटना दिनेशपुर क्षेत्र में आम है, पूरे जिले में नशे का आतंक है और दिनेशपुर पुलिस सिर्फ हेलमेट न पहनने वालों से उगाही कर रही है। इनका अपराधियों को स्पष्ट संरक्षण है, सब लोगों को ये पहचानते हैं और ये कहते हैं कि यह लोग नशेड़ी हैं, हम इनको कहां पर रखें। इस तरह से इन नशेड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हो गया है, हम लोग 4 पार्टनर हैं, बड़े गरीब घर के हैं, हम लोगों ने मिल के जैसे तैसे ब्याज पे कर्ज पे लेके दुकान बनाई थी सर, और 4 आदमी जिसमें महेंद्र, नरेंद्र, मैं, चंद्र प्रकाश, दुर्गापुर दिनेशपुर में पड़ता है नंबर 2 में। यहाँ पे क्या है कि आज रात सुबह जब हमारे साथ वाले आए तो देखे कि शटर का ताला टूटा हुआ है। जब पुलिस आने के बाद जब हम अंदर घुसे तो हमको ये ज्ञात हुआ कि हमारे कैश काउंटर जो होता है, जो कैश रखा जाता है लॉकर, उसमें से 94,560 रुपये था, कुछ मसाला था, 3 पेटी घी थे और कुछ बिस्किट वगैरह थे, चाय पत्ती, सब उठा के लेके चले गए सर। लगभग कितने का माल होगा? लगभग सर वो ये 1,15,000 का समथिंग माल होगा सर। नकदी देखे? नकदी लगा के सर। पुलिस को किस तरह सूचना दिया? 112 पे हमने सूचना दी सर। पुलिस की सूचना क्या और क्या उन्होंने आपको कहे? पुलिस ने आके देखा कि हमारे सीसीटीवी कैमरा लगा, उसमें वीडियो बनाए और बोल के गए कि आप लिखित कंप्लेन भी दे दो, हम बाकी कार्रवाई कर रहे हैं सर। विधायक जी, दिनेशपुर के एक मॉल में चोरी हुई है दुर्गापुर नंबर गांव में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत गलत बात है ये चोरी चकोरी, पुलिस प्रशासन का काम है रोकना। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में पहले शहर में खबर ये थी कि नशा बिकता है, स्मैक, अब गांव-गांव में बिकने लगा है और पुलिस को पता है, चोरियां आए दिन हो रही हैं। आप कह रहे हो वहां मॉल में, इससे पहले मेरे घर पे, मेरे फार्म हाउस से एक ट्रैक्टर का एक सामान चोरी करके ले, कम से कम 10,000 रुपये का है, और इन लोग ज़्यादातर लोहा चोरी करते हैं। पुलिस प्रशासन के पास इस समय मैंने देखा एक काम इस सरकार में प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष रूप से किया जा रहा है, वो है शाम को दोपहर के बाद काम नहीं है तो वो पकड़ो, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ो, रोड पे बैठ जाओ, 10,000-20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए कलेक्शन करो, यही काम रह गया है। शटर तोड़ के चोरी हुई मॉल में, मैं आपको कह रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में नशेड़ी हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों को, वो खाली ये दिनेशपुर नहीं है, वो पूरे ज़िले की कह सकते हो, वो जो हेडक्वार्टर है रुद्रपुर, हमारे पूरे ज़िले का हेडक्वार्टर है, वहाँ हालत बहुत ख़राब है। गली मोहल्ले में आए दिन चोरी चकोरी वो नशेड़ी लोग करते हैं, उनको पकड़ के कोई लोग बाग यदि पकड़े भी, आपको पता है पुलिस क्या कहती है, कैसा आप इनको हम कहाँ ले जाएं, कहाँ रखें, वो नशा उन्होंने ना दो तो मरने लगते हैं, ऐसा उनका वो कहना है।